हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। क्या लेटेस्ट यहां पर अपडेट आई हुई है ये हम जानेंगे, और साथ ही में दोस्तों मैं आपको आज एक गोल्डन टिप भी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। प्लस अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पर आपको एक अर्निंग का मौका भी मिलने वाला है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर, और देखिए दोस्तों अभी के टाइम पर अगर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो तकरीबन 7 रुपए 10 पैसे पर यह स्टॉक जो है हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा नीचे जाए दोस्तों, अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो देखें तकरीबन दोस्तों लास्ट मंथ में ऑन एन एवरेज डेली जो है 6 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहा था, जिसमें से 3 करोड़ स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी में उठाए जा रहे थे। उसके बाद दोस्तों हाल ही में अभी इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी ने शो किया है, और उस पैटर्न में बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें निकल कर आई है, क्योंकि हालांकि हम अभी डेफिनेटली आगे वीडियो में देखने वाले हैं। बट दोस्तों अगर हम बात करें आज की, तो तकरीबन 3 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ, और जिसमें से 1 करोड़ स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी में उठाए गए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कम्युनिटी सेंटीमेंट की, तो देखें तकरीबन 85% लोग जो है यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं, और 15% जो है यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं। देखें कितना इंटरेस्टिंग आपको ये डेटा समझ में आ रहा होगा। और ओवरऑल सुजलॉन एनर्जी दोस्तों अगर हम बात करेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि कंप्लीटली अभी ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर आने वाला है, राइट, जिसमें रूल करने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी जो है उसमें एक नंबर वन कंपनी साबित हो सकती है। अब इतने कम प्राइस पर एक ऐसी कंपनी अगर आपको अभी देखने के लिए मिल रही है, तो डेफिनेटली दोस्तों हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए जो एक गोल्डन टिप निकाल के रखा है उसकी बात कर लेते हैं। और दोस्तों जिस टिप की मैं बात कर रहा था वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। बहुत ही अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक मौका बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, और इस प्राइस पर डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि कंप्लीट वीडियो दोस्तों ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, आप चाहें तो डेफिनेटली अपनी खुद की स्टडी भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन देखें आप कितना अच्छा एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक परफेक्ट दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें, तो एक सपोर्ट यहाँ से लिया इसने तकरीबन 7,099 के आसपास से, एंड अगेन दोस्तों इसने जो है बाउंस बैक किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यहां पर तकरीबन 1 महीने की होल्डिंग कर सकते हैं, तो ये स्टॉक आपको तकरीबन 10% तक की रिटर्न इजीली दिखा सकता है। सो बिल्कुल भी दोस्तों इस चांस को मिस नहीं कीजिएगा, और एक बार खुद की स्टडी करने के बाद में इस स्टॉक पे आप जरूर फोकस कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते वीडियो के ऊपर, और मैं आपको लिए चलता हूं अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, और यहां पर देखें आप जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्रमोटर हैं उन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को कम किया है, लेकिन उसके पीछे दोस्तों रीजन भी है, और हम सभी जानते हैं कि वो रीजन क्या है। देखें 16.52% से 16.41% पर दोस्तों ये आ चुके हैं, लेकिन वहीं अगर आप गौर करें फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर, देखें आप इसके ऊपर जाएं तो आपको दिखाई देगा कि तकरीबन 4.08 से 4.1% तक दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज यहां पर किया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का ठीक इसका उलट मानना है। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 17.71 से 17.05 तक आ चुके हैं, तो आप मिला जुला एक रिस्पांस देखने के लिए आप बोल सकते हैं प्रमोटर दोस्तों कुल मिला के जो है ना कहीं जो अपनी होल्डिंग को थोड़ी बहुत कम कर रहा है वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर इसके जो टॉप के शेयर होल्डर्स हैं वो भी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी प्लेयर्स ने यहाँ पर दोस्तों अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया हुआ है। तो सिनेरियो जो है दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर एक पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है अभी आने वाले टाइम के लिए। इस तरीके से दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज किया है,
समझ में यही आता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम पर हमको अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत कुछ प्रोजेक्ट की आ रही है, बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रही है। पीएलआई स्कीम्स, पीएलआई स्कीम्स के बारे में दोस्तों हम ऑलरेडी जानते हैं, और आने वाला जो दौर है वो कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है। तो उसमें सबसे एक जो बड़ा नाम है वो है सुजलॉन एनर्जी, तो डेफिनेटली इस पर अपना फोकस आप बनाए रखिएगा। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखें, अभी कंप्लीट एक स्टेटमेंट है दोस्तों आज का जो हमने ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह की हुई है। सो हमको लॉस भी हुआ 3000 का, लेकिन हमको प्रॉफिट भी दोस्तों यहां पर हुआ है तकरीबन 29,000 का। सो इस तरीके के प्रॉफिट दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए इजीली किए जा सकते हैं। अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप चाहें तो सिटी लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर टाइप कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दी जाएगी किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, और दोस्तों यहां पर एक आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत अगले वीडियो में। जय हिंद।